आपका बी वर्ड चल रहे हैं, इसका सिक्स वर्ड है, बी में सिक्स वर्ड बुके, BOUQUE, टी साइलेंट है, बुके बुके वर्ड है, टी साइलेंट है। बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता कह रहे हैं आप, ठीक है, फूलों का गुलदस्ता, फ्लावर्स, ठीक है, बुके। तो ये वर्ड जो है बुके है, ये बुके, यहाँ तक है, ये टी इसमें साइलेंट रखा गया है, बुके, BOUQUE, बुके, टी साइलेंट है, ठीक। और अगर किसी वर्ड की प्रोनंसिएशन आपको देखनी है तो गूगल पर जाएं, उसके वर्ड की प्रोनंसिएशन लिखें, मतलब कि बुके की प्रोनंसिएशन, द प्रोनंसिएशन ऑफ बुके, बुकेट वर्ड पूरा लिख दें तो प्रोनंसिएशन आएगी उसकी, वहाँ पे स्पीकर उस पर ऑन करोगे तो बोल के बताएगा वो वर्ड। तो प्रोनंसिएशन चेक करने के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो ऐसा होता है, अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमें हैबिट में डाल लेनी चाहिए, ठीक है। गेट इंटू द हैबिट, आपको आदत में डाल लेनी चाहिए, उस आदत को आपको कल्टीवेट कर लेना चाहिए। हाँ वही नेक्स्ट वर्ड है बैनल, सेवेंथ वर्ड, BANAL। इसके लिए एक वर्ड तो दिया है इन्होंने, कॉमन प्लेस, एक वर्ड दिया ट्राइट, बस। इसके लिए कॉमन का मतलब तो सामान्य स्थान, मामूली, तो वो कॉमन का मतलब होता है जिस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, कॉमन है ये चीज़, तो कॉमन है, जन यूजुअल है ये, तो है ना, यूजुअल है, साधारण है ये, तो कॉमन यूजुअल। लेकिन जब उसको स्पेशलिटी की बात करते हैं, रेयर है भाई ये, तो यूनिक है, एंटिक है, ठीक है, डिफरेंट है, तो उस वर्ड को अलग कहते हैं। तो बैनल मीन्स कॉमन प्लेस, या ट्राइट कहते हैं, ट्राइट, TRIT। हाँ भाई एर्थ वर्ड, एर्थ, एट्थ वर्ड है ब्लेटेंट, BLATANT, ब्लेटेंट। ओपनली शेमलेस, जिसे कोई शर्म ना हो, बेशर्म, जो बेशर्म व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अपने सम्मान की भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर दूसरों के सम्मान पर के लिए तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, जिनको ये फीलिंग ही नहीं है, तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो ब्लेटेंट होते हैं, ओपनली शेमलेस, उन्हें कुछ नहीं पता उनका बिहेवियर क्या है, कैसा है, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें अपने सम्मान का मतलब नहीं है, अपने परिवार के सम्मान का मतलब नहीं है, तो उसको ओपनली शेमलेस, खुला हुआ है मतलब, वो तो शेमलेस है, कोई शर्म नहीं है उसको, ठीक है। अच्छा वोकैब का एक मैं आपको छोटा सा बात बताता हूँ, वोकैब या तो मीनिंग से याद रहती है, या वोकैब जब आप लिखते हैं उस वर्ड को, एक होता है गूगल पे आप कितने वर्ड सर्च करते रहे, लेकिन आप जब उसको वर्ड को लिख रहे हैं, बल्कि गूगल से भी नहीं, आप जो मैं बता रहा हूँ उतने सफिशेंट है, उस वर्ड को आप लिखे हैं, ब्लेटेंट लिखे हैं, ओपनली सेमलेस लिखे हैं, तो वर्ड आपको लिखते समय आपके माइंड में सेट हो जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो वर्ड हम सोचते हैं कि हमारे याद तो रह गया, ठीक है, बच्चों की, बहुत से बच्चे बड़े शार्प रहते हैं तो उनकी जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत अच्छी रहती है, तो वो याद भी रह जाते हैं, मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी जो आपका एक सही रूल है वो ये है कि उस वर्ड को अगर हम लिखते हैं तो वो वर्ड हमें ज़्यादा अच्छा याद रह जाता है, ठीक है, ज़्यादा समय तक वो वर्क करता है। तो यहाँ पर बैनल हो गया, ब्लेटेंट हो गया, ब्रोच, नाइन्थ वर्ड, BROACH, ब्रोच मीन्स ओपन अप डिस्कशन, या ओपन डिस्कशन, या ओपन अप डिस्कशन, जो लिखा हुआ था मैंने यहां लिख दिया, ओपन अप डिस्कशन, स्टार डिस्कशन, स्टार्ट या बिगिन डिस्कशन। ब्रोच मीन्स, वैसे ब्रोच जिसे वो लगाते हैं उसको भी आई थिंक ब्रोच ही कहते हैं, ब्रोच या हेयर पिन वगैरह जो होता है उस टाइप का ही ब्रोच, ब्रोच ही होता है वो भी,
ब्रोशर अलग है। जो ब्रोशर वर्ड है वो होता है जो इन्फॉर्मेशन होता है किसी इंस्टीट्यूट की, किसी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन हो, ब्रोशर कहते हैं। वो नहीं है, ये वर्ड है ब्रोच। तो किसी डिस्कशन को शुरू करने के लिए आता है ब्रोच वर्ड, BROACH, ब्रोच। ठीक, नेक्स्ट। हाँ भाई, 10th वर्ड बेंटर्ड, बेंटरिंग, सॉरी BENTERING, बेंटरिंग हो, बेंटर्ड हो, है तो बेंटर वर्ड। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है? किसी की हंसी उड़ाना, मेक फन ऑफ आती है प्रीपोजिशन, लाफ एट आता है, मेक फन के साथ ऑफ ही आता है। दूसरों की हंसी मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, डोंट लाफ एट अदर्स। ठीक, रिडिक्यूल किसी का मजाक बनाना, तो उसके लिए रिडिक्यूल वर्ड दे रखा है। बैंटरिंग का मतलब रिडिक्यूल, मेक फन ऑफ, लाफ एट, तो ये सब वर्ड ऐसे ही याद रह जाते हैं। किसी की हंसी उड़ा, डोंट रिडिक्यूल अदर्स, दिस इज बैड हैबिट, यू शुड नॉट कल्टिवेट दिस हैबिट। ठीक है, दिस इज नॉट ए राइट थिंग टू लाफ एट अदर्स, दूसरों पर हंसी उड़ाना कोई सही बात नहीं है। हाँ भाई, 11th, 11th वर्ड बेयर फिट, BEREFIT या डिवॉयड, इन दोनों के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है और इसका मतलब होता है लैकिंग, डिप्राइव्ड। और आपको ध्यान होगा शायद डिप्राइव्ड के साथ भी ऑफ बताया था। अगर लैक, वैसे लैक इन भी आता है, ऑफ भी आता है, लैक ऑफ, फॉर लैक ऑफ, फॉर आ रहा है तो लैक के साथ ऑफ ही आए, लैकिंग में इन भी आ सकता है। इन सब का मतलब होता है वंचित होना, बेयर फिट बिना, डिवॉयड बिना, बिना वंचित होना, किसी चीज की कमी होना। ठीक, उसके लिए आता है लैकिंग या डिप्राइव्ड, लैकिंग या डिप्राइव्ड के लिए आता है, लैकिंग या डिप्राइव्ड ऑफ ही आता है, डिप्राइव्ड ऑफ, लैकिंग के साथ इन भी चलता है और लैक ऑफ भी होता है। क्लियर, तो बेयर फिट या डिवॉयड, इट मीन्स बिना, तो डिवॉयड ऑफ बिना, वंचित यानी किसी चीज से वंचित होना, डिवॉइड। 12th वर्ड बेनिडिक्शन, BE यानी बेनी डिक्शन, बेनिडिक्शन मीन्स ब्लेसिंग या बून। हाँ भाई, बेनिडिक्शन मीन्स आशीर्वाद, बेनिडिक्शन मीन्स आशीर्वाद। ठीक है, ब्लेसिंग, बोन, वरदान, आशीर्वाद, ये चीज हमारे लिए वरदान है। ठीक है, तो ये वरदान जो है हमारे, ये बेनिडिक्शन है, ब्लेसिंग है, बोन है। जिस वर्ड पर जितना स्टे करोगे, जितना उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, फोकस करोगे, जितना समय उस चीज को एनालाइज करोगे वर्ड को, वो उतना आपके माइंड में सेट होगा। तो वोकैब के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, उसके मीनिंग पर ध्यान दिया जाए, उसकी स्पेलिंग पर ध्यान दिया जाए और उस पर थोड़ा सा रुकना होता है। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड ब्लीक, ये वर्ड है आपका 13, BLEAK, ब्लीक का मतलब एक तो डिसमल और एक है ग्लूमी। ब्लीक का मतलब उदास, कमजोर, परेशान, सारे निगेटिव। ग्लूमी, उदास, पेंसिव भी होता है, पेंसिव, पेंसिव वर्ड भी होता है। ठीक, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड वर्ड भी होता है, डिजेक्टेड, निराश के लिए डिजेक्टेड वर्ड भी होता है, डिसअपॉइंटेड या डिजेक्टेड।
डिसअपॉइंटेड या डिजेक्टेड वर्ड जो होता है, तो उसके लिए जो डिजेक्टेड वर्ड होता है निराश के लिए, फ्रस्ट्रेटेड। हाँ भाई, जो लोग निराश होते हैं, वो जो निराश होते हैं वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, और जो निगेटिव सोचते हैं उसके लिए एक वर्ड आता है, आपको ध्यान होगा, पैसिमिस्ट, निराशावादी। ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हमेशा निगेटिव बातें सोचते हैं, तो डिसमल, ग्लूमी, पेंसिव, डिजेक्टेड। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट वो व्यक्ति होते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। वो हमेशा ब्राइट फ्यूचर की बात करते हैं, ब्राइट चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। डार्कनेस, डिजेक्शन, निराशा, उदासीन, इसके लिए वो कोई स्थान नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, पैसिमिस्ट निगेटिव वर्ड है। ये तो हमारी जो पर्सनालिटी होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है हमेशा प्रयासों पर विश्वास करो, ठीक है, केवल सोचो नहीं, काम करो, आप उसको वर्क करो। हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड है 14 वर्ड, 14, ब्लेटल, बी लिटिल, ब्लाइटल कह दो, बिलिटिल कह दो, डिसपैरेज, डिसपैरेज, क्रिटिसाइज, डिसपैरेज, क्रिटिसाइज, डिक्राय, और एक है अंडर एस्टिमेट, अंडर ESTIMAT, किसी की आलोचना करना। जब आप आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको आप अंडर वैल्यू कर रहे हैं, ठीक। ये सारे के सारे वर्ड ब्लैटर। चलो इसको इतना ही रखते हैं।